राइट गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पर। गाइस ये पार्ट टू है इससे पहले वाले वीडियो का, क्योंकि उस वीडियो पर हमने आप सभी लोगों को अपने कार और बाइक के पेट्रोल या फिर डीजल के माइलेज को इम्प्रूव करने की काफ़ी बेहतरीन सी टिप्स बताई थी, जिसमें अगर आप सभी लोगों की माइलेज लगभग 15 से 16 दे रही, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपकी माइलेज कंपनी क्लेम 20-25 है, तो आपको डेफिनेटली 27-28 का माइलेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टेड है। दोस्तों उस वीडियो पर हमने आधे टिप्स को कवर किया था, और आधे टिप्स को हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। वो वीडियो लंबा हो जाता इसलिए वहाँ पर हमने उसको वहीं आधे पर छोड़ दिया। तो बाकी टिप्स के लिए इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिए, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस ऊपर आई बटन पर, नीचे आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पर, और लास्ट पर आपको एंड स्क्रीन पर डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। वो जो 10 टिप्स है ना, वो डेफिनेटली आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी डेली लाइफ, आज भी नहीं बल्कि फ्यूचर पर भी आपके काफ़ी सारे काम आने वाली, चाहे बाइक की ऑनर हो या फिर आप एक कार के ऑनर हो। आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी लोग इनमें से किस किस टिप्स का इस्तेमाल डेफिनेटली करते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब ये जो टिप्स है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी कि एसी वाले लोगों के लिए। गाइस घर पर तो आप पंखे की हवा पर मजे से सोते हो, मजे से रहते हो, और कार पर बैठते हैं कि आपको भाई एसी चलाओ एसी बस, ये क्या मतलब हुआ भाई? कि कार पर बैठे हो और एसी चलाओ, उस जगह पर भी आप एसी चला रहे हो जहाँ पर दोनों ही साइड पर मतलब पूरी हरी भरी मौसम है, तो उस जगह पर आप एसी का इस्तेमाल मत करो, ये आपके लिए नुकसान साबित होगा भाई। क्यों मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको एसी का यूज़ नहीं करना है तो वैसे जगह पर करो जहाँ पर डेफिनेटली आपको एसी की ज़रूरत है, यानी कि प्रदूषण वाले जगह पर, मतलब या फिर ऐसे जगह कारखाने वाले जगह पर, मेन शहर वाली जगह पर जहाँ पर काफ़ी सारे पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उस जगह पर आप एसी का यूज़ करो जहाँ पर नेसेसरी एसी चाहिए, या फिर काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप वगैरह है तो वहाँ पर आप एसी का यूज़ करो। लेकिन भाई जहाँ पर आप नॉर्मल स्पीड पर चले, 30 से 40 के 50 के 60 की स्पीड पर, और आपके चारों तरफ मौसम काफ़ी हरी भरी है, तो शीशा लगाकर आप एसेसरी मतलब एसी ऑन करके क्या दिखाना चाहते हो, यह आपकी गलती है। आप नो डाउट एसी चलाने पर माइलेज कम देती है, आपको पता है, बट अननेसेसरी जगह पर एसी चलाकर होशियारी दिखाना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अननेसेसरी जगह पर एसी चलाकर अपनी होशियारी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, एसी से नहीं, इन सभी हरकतों से दूर रहिए। हाँ, अगर हम एसी की बात करें तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कार को 80, 100, 120, 140, 200 मतलब किसी भी स्पीड पर अपने मर्जी से चलाते हो, भाई अपने मर्जी से एसी को ऑफ मत करना। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने ऑन मत करना, और अभी आप बोल रहे हो ऑफ मत करना। भैया गाइस अगर आप 30, 40, 50, 60, 70 इनफैक्ट 80 की स्पीड पर घर चला रहे हो, आपकी एसी और आपकी विंडो खुली हुई है, नो डाउट, ठीक है। बट अगर आपने 80, 90, 100, 200, 150, 170, 180 मतलब हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, और अपने होशियारी दिखा कर तेज हवा पाने के लिए अपनी खिड़कियों को खोल दिया है, तो ये आपकी होशियारी नहीं, आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि जितनी तेज हवा आपकी कार के अंदर आएगी उतनी ही आपकी कार धीमी होगी। इनफैक्ट अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उस जगह पर अपने RPM को चेक करके आपके RPM कितने नंबर पर है, और उसी RPM पर उसी गियर पर आप अपने विंडो को क्लोज करके चलाएं। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि जिस जगह पर आपकी कार 140 की स्पीड पर चल रही थी ना, उसी RPM उसी गियर पर आपकी कार 160 को क्रॉस कर देगी। जिस RPM पर 80 की स्पीड पर चल रही थी गाड़ी, उस RPM पर 100-120 की स्पीड पर ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी चलेगी, क्योंकि भाई कार जो है वो हवा की रफ्तार पर आगे चल रही है, लेकिन खिड़की जो खुली हुई है उसके कारण हवा उसको रोक रही है। तो इस ये जगह पर आपकी गलती है कि आपकी कार उतनी स्पीड पर भी नहीं चल रही है, इंजन भी मार खा रही है, और आपको नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तो ये सभी गलती आप मत करें, प्रॉपरली जगह पर, नेसेसरी जगह पर आप एसी को ऑन करें, नेसेसरी जगह पर आप एसी को ऑफ रखें, और खिड़कियों को खुली रखें।
कम स्पीड में आप खिड़कियों को खोलें, ज़्यादा स्पीड आप खिड़कियों को बंद करें और एसी को ऑन करें। ये आपके लिए समझदारी वाली बात है, आपकी डेफिनेटली आपकी जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपने हाई स्पीड पर खिड़कियों को खोला तो जितनी माइलेज आपकी एसी पर मिलेगी ना, उससे भी कम माइलेज आपकी बिना एसी पर मिलने वाली है। तो होशियारी दिखाकर एसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है हाई स्पीड पर। ऑलराइट, तो ये जो टिप्स है, ये टिप्स है उन लोगों के लिए जो दिखाते हैं भाई मेरे पास चारों ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स है, मेरे चारों ब्रेक में दो डिस्क और दो ड्रम है। भाई मेरे कार पर भी दो डिस्क और दो ड्रम है, बट मैं ये गलती नहीं करता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि हाँ, आप अपनी कार को 60 की स्पीड पर चला रहे हो, 40 की, 50 की स्पीड पर चला रहे हो, अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, या फिर अचानक से आपने देखा कि हाँ आगे स्पीड ब्रेकर है, आपने यहाँ से स्पीड को स्लो नहीं किया, क्या किया आपने, बिल्कुल वहाँ पर चले गए और जहाँ पर मतलब दो मीटर की जगह बची हो अचानक से ब्रेक मार दिया। क्या हुआ, कार के अंदर सभी लोग आगे की तरफ मतलब अचानक से उनको झटका लगा, वो आपकी ब्रेकिंग देखकर खुश हो चुके हैं। लेकिन ये आपकी गलती है कि आप अपने ब्रेकिंग दिखाने के चक्कर में अपने फ्यूल को जला रहे हो। अब आप बोलेंगे कि फ्यूल और ब्रेक का क्या कॉम्बिनेशन है, भाई कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन है। क्यों, मैं आपको बता दूं कि आप जिस स्पीड पर गाड़ी चला रहे उस स्पीड पर अगर आपने धीरे धीरे गाड़ी को रोका तो आपकी आरपीएम धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपकी कार आराम से स्पीड ब्रेकर को मतलब पार भी कर लेगी, आपकी कार रुक भी जाएगी। लेकिन अगर आपने अचानक से ब्रेक मारा तो आपकी आरपीएम जो 4 पर है वो अचानक से 2 पर नहीं आएगी, बल्कि वो 0 पर जरूर चली आएगी। लेकिन हाँ, फ्यूल को चूसने के बाद यानी कि फ्यूल को पीने के बाद, तो ये सभी गलती मत करें, हार्ड ब्रेकिंग यूज करना बंद करें। ये आपके ब्रेक शू को भी मतलब ख़राब करती है, ब्रेकिंग पावर को भी ख़राब करेगी और आपके कार के इंजन को भी नुकसान देगी, और फ्यूल को पिएगी सो अलग। तो आप ब्रेक को लगा कर ये ना समझे कि भाई मैं ब्रेक शू को चेंज कर दूंगा, ब्रेक नया हो जाएगी और मेरी कार फिर से चलने लगेगी, भाई यहाँ पर आपकी इंजन भी मार खाएगी। होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आपने कार तो ले ली बट आपको नहीं मालूम है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में घुसा लें, डायरी पर नोट कर लें, डेली लाइफ पर यूज़ करें। बट हाँ, ये आपकी डेफिनेटली काम की चीज़ है। तो भाई देर किस बात की, वीडियो को लाइक करो ना, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले गाइस। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए खास रिसर्च करने में, 2 दिन लगे हैं रिसर्च करने पर आप सभी लोगों के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक करके उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको माइलेज की शिकायत है, फिर जिनको शिकायत भाई फ्यूल कितनी महंगी हो गई है, हम कहीं नहीं जाएंगे बिना पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल डलवाओ और चलो जाते हैं भाई, वैसे वाले दोस्तों पास जरूर शेयर कर देना। ऑलराइट, तो एक और टिप्स की बात करें। जी हाँ, अगर आप कहीं ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप 2 लोग जा रहे हैं और आपकी डिक्की पर यानी कि आपकी बूट पर भर भर के सामान डाले हुए हैं और आप सोच रहे हो भाई चलो यहाँ से आ लेते हैं फिर बूट को साफ कर देंगे, तो भाई ये आपकी गलती है। कार जितना हल्का रहेगा उतनी ज़्यादा पिकअप आपकी कार उतनी अच्छी पिकअप पकड़ेगी, और जितनी अच्छी पिकअप पकड़ेगी उतनी कम पेट्रोल आपकी कार पिएगी। तो अगर अननेसेसरी सामान आपके बूट पर रखी गई है तो उन सभी सामानों को निकाल कर हटा दें। ऑलराइट, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कई मतलब ज़्यादा काम के कारण उनको टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने कार की सर्विसिंग कराएं, अपने कार के फ्यूल ऑयल मतलब इंजन ऑयल को चेक करें, फिल्टर को चेक करें, एयर फिल्टर को चेंज करें, कूलेंट को चेक करें। इनफैक्ट मैं बाइक की भी बात कर रहा हूँ, तो उस जगह पर ये सभी गलती आपकी है। आप 10 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल कर अपने कार्स के बाइक्स के एयर फिल्टर या फिर इंजन ऑयल फ्यूल इन सभी को चेक करते रहो समय समय पर, हर वीक पर कम से कम एक बार तो चेक करनी चाहिए। अगर आपसे ऐसा नहीं किया तो ये सिर्फ आपके इंजन को ही नहीं खाएगी, इंजन को ही मार नहीं खाएगी, बल्कि ये जो है वो आपके इंजन को मार खाते के साथ साथ आपके पेट्रोल को पी कर ना मतलब हाथी हो जाएगी, और वो हाथी इतनी बड़ी होगी कि आप देख नहीं पाओगे। भाई इंजन पर इंजन तो पेट्रोल पी रही है बट वो कहाँ पी रही है। तो अगर आपने समय समय पर सर्विसिंग नहीं करवाया, इंजन ऑयल एयर फिल्टर या फिर अदर पार्ट्स को चेक नहीं करवाया जो इंजन से रिलेटेड है, तो उस जगह पर आप मतलब आप नुकसान पे नुकसान सहते जाओगे, क्योंकि भाई अगर आपने समय समय पर इन सभी चीज़ों को चेक नहीं किया तो ये आपके आगे चलकर इतनी बड़ी मुसीबत पर डाल देगी, इतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉस्ट पर डाल देगी ना,
कि आप सोचोगे भाई क्यों मैंने टेस्ट नहीं किया, क्यों मैंने चेक नहीं किया, अगर आप चेक कर लेते तो आज मुझे इतनी महंगी कॉस्ट नहीं पड़ती इसकी सर्विसिंग के लिए। तो समय समय पर सर्विसिंग कराओ, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आखिरी पॉइंट की बात करते हैं जो थोड़ा सा मज़ेदार है। जी हाँ, थोड़ा सा मज़ेदार है गाइस। अगर आप कहीं जा रहे हो और उसी रूट पर आपके दो चार दोस्त और जा रहे हैं, इनफैक्ट मान लीजिए अगर आपके आप जिस रूट पर जा रहे हो उसी रूट पर चार दोस्त और जा रहे हैं और उन चारों दोस्त को पास अलग अलग बाइक से या फिर कार है और जा रहे हो और सेम टाइम पर आपको आना है, तो क्या मतलब है भाई चार कारों को ले जाने की, चारों आदमी एक ही कार पर जाओ। भाई मैं इस जगह पर आपको कहना चाहूँगा कि आप मनी कलेक्शन स्टार्ट कर दो। हाँ थोड़ी सी बुरी आदत है बट मुझे तो नहीं लगती है भाई। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, बट हाँ कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है भाई। अगर आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो और एक ही जगह पर 5 लोग 3 लोग 2 लोग जा रहे हो तो क्या मतलब है 2 गाड़ी ले जाने का। एक ही गाड़ी पर जाओ और एक ही गाड़ी पर जाओ और जो माइलेज मतलब जो फ्यूल है वो आधा आधा मतलब कॉइन मतलब पैसे कलेक्ट करके और डलवा लो। जहाँ पर आपको 200 की तेल जलती वहाँ पर आपकी 100 की तेल पर चल जाएगी, वहाँ पर आपकी कार भी नहीं घिसेगी। तो भाई ये आपकी होशियारी होगी कि अगर आप ऐसा करते हो। हाँ आपको बोलने पर थोड़ी सी खराब लगेगी कि भाई दोस्तों से क्या पैसे लेना, भाई 110 रुपये तक जो पेट्रोल है ना वो पहुँच चुकी है, तो अब वो सभी चीज़ें जो सोचने वाली टाइम नहीं बची है। डेफिनेटली आप बोलो दोस्तों को कि भाई आप सेम जगह पर जा रहे हो तो चलो मेरे ही कार पर चलो, मेरे ही बाइक पर चलो, मैले जो भी फ्यूल जलेगा वो सब मिलकर डलवा लेंगे। आज मेरे पर चलो, कल मैं तुम्हारे पर चलूँगा, परसों हम दोनों उसके पर चलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपने पेट्रोल या फिर डीजल के माइलेज को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। और डेफिनेटली आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करो। आप 1 वीक के बाद इसी वीडियो पर आकर कमेंट जरूर करोगे थैंक्स यू, क्योंकि इन जो टिप्स को ये मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ और पहले से मेरे जो माइलेज है ना वो काफ़ी लगभग 40-50% तक माइलेज बढ़ी है, जो डेफिनेटली काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन बात है। सो गाइस ये तो कुछ 10 टिप्स हैं जो आप अपने पेट्रोल या डीजल बाइक्स कार ट्रक किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप सभी लोगों की ये खास टिप्स कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो मन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर हमें फॉलो करें, डेली एक्टिविटी हम वहाँ पर जरूर दिखाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।